हिजबुल्ला के हमलों के बाद इजराइल लगातार लेबनान पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आज इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइल दागी। आईडीएफ ने बताया कि लेबनान में किए गए हमले में 50 हिजबुल्ला आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इजराइल के इस भीषण हवाई हमलों में हिजबुल्ला के 6 टॉप कमांडर भी ढेर हो गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हमलों में अहमद हसन नाजल भी मारा गया, जो कि बिंट जेबिल क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाले हुए था और इसराइल पर हमले कर रहा था। गजर सेक्टर का प्रभारी हसीन तलाल कमल, मूसा दीव बाराकत, महमूद मूसा कारनिव और बिंट जेबिल सेक्टर में तोपखाने के प्रभारी अहमद इस्माइल और अब्दुल्ला अली डिकिक भी इस हमले में मारे गए। IDF ने हिजबुल्ला के दक्षिणी मोर्चे के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां उसने अपने बुनियादी ढांचे और भूमिगत मुख्यालय बना रखे थे। इसके अलावा हिजबुल्ला की अजीज यूनिट के 50 ठिकाने और नासिर यूनिट के 30 ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया है।